बहुत से लोग को पता नहीं होता, एक दो ड्रॉप डाल दो तो बहुत प्रॉब्लम आता है, तो एक दो ड्रॉप के वजह से कभी कभी मच्छी भी मर जाती है, पता नहीं होता है। 4 फुट की टाँकी, 3 फुट की टाँकी, भाई मैंने 2 ढक्कन डाल दिया तो मच्छी मर जाती। फ्लोरन वाले भी काफ़ी ऐसे करते, पानी भर देते, आधा पानी भरते फिर डालते, फिर थोड़ा भरते फिर डालते, ऐसा तरीके से नहीं करना। तो आरिफ भाई, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ पे एक्वेरियम शॉप में बहुत अच्छी रहती है फिशेस, तो उसका क्या रीज़न है? तो मैं आप लोग को इसके लिए तरीका बताऊंगा पानी चेंज करने का और क्लीन रखने का, टैंक और किस तरीके से पानी चेंज किया जाता है। फर्स्ट टाइम ये वीडियो मतलब अभी शूट कर रहा हूँ, पहली बार है मेरा पानी चेंज करते हुए। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि पानी चेंज करने के लिए, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर। पानी साइफन और पानी चेंज करने का तरीका बता रहा हूँ आप लोग उसके अंदर। ये जो पाइप है, डायरेक्ट पाइप गटर के अंदर लगा हुआ है, आप देखेंगे ये वाला। आप लोग को क्या करना है, आपके बड़ा सा पाइप ले लो, आपका टैंक बड़ा है, 4 फीट का टैंक है आपके पास, 5 फीट का टैंक है या 3 फीट का टैंक है, आप अगर बाथरूम के पास है तो आप उतना छोटा पाइप वगैरह लेके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को यहाँ से पानी निकालने का तरीका और पानी स्टार्ट कैसा करते हैं तरीका आपको वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आरिफ भाई, साइफन क्यों करना है ये भी थोड़ा बता दीजिए। साइफन करने का रीज़न ये होता है कि पानी के अंदर जो अमोनिया एसिड का लेवल बढ़ जाता है, ज़्यादा ओवर फीडिंग या टॉयलेट की वजह से होता है प्रॉब्लम, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पानी आप जब चेंज करते हो, 50% पानी मैंने चेंज किया हूँ, यहाँ तक पानी रखता हूँ मैं, पूरा चेंज नहीं करता, फुल्ली पानी नहीं चेंज करता मैं। तो आप लोग को 50% मिनिमम पानी चेंज करना है, 3 से 4 दिन में, या फिर आप हफ्ते में 50% पानी चेंज कर सकते हैं, डिपेंड आपकी मच्छी कौन सी, ज़्यादा गंदा कर रही है, ज़्यादा टॉयलेट कर रही है तो आप 75% कर सकते हैं। अगर मेरे पास ये टेट्रास है, यहाँ पे कपीज है, तो मैं इतना से पानी निकालता हूं इसका, ओवर पानी नहीं चेंज करता हूं। क्या होता है कि सडनली पूरा पानी चेंज करने की वजह से क्या होता है कि पानी का TDS चेंज हो जाता है, तो सडनली नया पानी मिलेगा मच्छी, तो मच्छी थोड़ी सी हिलना चालू हो जाएगी। तो मोर्टेलिटी होने के भी चांस, मोर्टेलिटी होती है TDS चेंज होने की वजह से, पानी का pH वगैरह चेंज होने की वजह से पानी को, मच्छी को प्रॉब्लम होना होता है। तो टेट्रा और गप्पी छोटी मच्छी है, तो उसके लिए 50%, अगर आपका पानी क्लियर भी नज़र आ रहा है तो आपको हफ्ते में एक बार पानी चेंज करना ज़रूरी है। क्लियर नज़र आ रहा है फिर भी चेंज, फिर भी आपको पानी चेंज करना, क्योंकि वो थोड़े दिनों में उसका अमोनिया का लेवल ज़्यादा हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि आप जो टॉयलेट नीचे गिरती है, एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे नीचे टॉयलेट गिरी, एग्जाम्पल या फिर यहाँ पे नीचे संडास गिरी हुई है, तो ये सब निकालना होता है अपने लोग को। ये नहीं निकालेंगे तो सड़ सड़ के इसके अंदर अमोनिया एसिड का लेवल बढ़ जाता है पानी के अंदर। तो आपने कैनिस्टर लगाया या फिर आपने कोई भी फिल्टर यूज़ किया, आपका पानी फिर भी क्लीन है। अब मेरा पानी इतना क्लीन है फिर भी मैं पानी चेंज करता हूँ। यानी आपका पानी क्लीन रहने के बाद में भी आप चेंज करते हो, तभी तो आपकी फिशेज इतनी अच्छी रहती है और हेल्दी रहती है। ज़रूरी है, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ड्राई फूड डालते हैं तो उसके वजह से पानी गंदा नहीं होता है। मेरा फिल्टर बहुत अच्छा वाला लगा है मैंने, 10,000 का लगाया, 20,000 का लगाया, हमका धमका, तो उसके अंदर ऐसा नहीं रहता है। आपको 50% पानी चेंज करना ज़रूरी है। मच्छी की कंडीशन में थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, मच्छी का डाइजेशन क्लीन होगा। अगर मच्छी ने खाना खा चुकी है, उसका डाइजेशन, उसको पचाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होता है, पानी चेंज करेंगे तो डाइजेशन क्लीन रहता है और मच्छी टॉयलेट वगैरह क्लीन भी करती है, मच्छी की कंडीशन भी बेटर रहेगी, फंगस से, स्पॉट से वगैरह सब कुछ से बचेगी मच्छी और मच्छी हेल्थी रहेगी। तो मैं आप लोग को ये तरीका बताऊंगा, ये पाइप से पानी किस तरह से चेंज करना है, किस तरह से पानी पकड़े जाता है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पाइप लेना, ये वाला पाइप है और मैं, ये टेट्रा का टैंक है मेरा, यहाँ पे कॉरी वगैरह है, ये टैंक है, मैं इसका किस तरह से पानी स्टार्ट करूँगा, ये पानी बंद है बीच में। तो आप लोग को ये जो पाइप है, पाइप इस तरह से लेना है और इसके अंदर डालना है इस तरह से, और ये पाइप के अंदर आपको पानी भरना है इस तरह से अंदर डाल के। ये देखेंगे, ये इसमें पानी आपको भरना है इस तरह से। ओके, पानी भरने के बाद आपको ये जो अंगूठा है, हाँ, ये वाला अंगूठा आपको इसके ऊपर रखना है। ओके, अंगूठा रखने के बाद आपको इसके नीचे खींच लिए कि आपका पानी स्टार्ट हो जाता है इस तरह से। ये देखिए, अभी पानी स्टार्ट हो गया। हाँ, यहाँ पे देखेंगे ये पानी स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी शीट है आप क्लियर कर, टॉयलेट वगैरह जो है आपको निकालना है, और ये जो नीचे जो मैंने लगाया हुई है, ये जो नजर है आपको, बहुत से लोग के सवाल होते हैं क्या चीज है, इससे छोटी मछलियाँ जाती नहीं है, अगर आप इस तरह से खींचेंगे तो छोटी मछली चली जाएगी। टेट्रा हो गया, गप्पी टेट्रा छोटी, आप फीडिंग कप जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो हीटर रहता है ना, हीटर के नीचे जो बॉटम में लगा रहता है ना, ये नीचे जो बॉटम में, तो मैंने इसको यूज किया, ये मेरे पाइप में लगता है इस तरह से, और इस तरह से मैं कचरा निकालता हूँ, जैसे सीट हो गया, टॉयलेट है। पहले तो क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रबिंग कर लेना है, मैंने स्क्रबिंग कर चुका हूँ उसको, तो आपको स्क्रबिंग कर लेना है। इसके बाद इस तरह से आप हाथ भी फिराएंगे तो चलेगा टैंक के ऊपर, तो इस तरह से बॉटम वगैरह सब क्लीन करके आपको इससे ये पानी खींचना है। अब देखेंगे आप, पानी कम हो रहा है, इससे पानी स्टार्ट है यहाँ पे, बराबर पूरा नहीं करना है, 50% पानी करना है आपको, टॉयलेट निकालना ओनली फोर, ज़्यादा करके क्या, मेरा टैंक अभी बेयर बॉटम है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो ये इजीली निकल जा रहा है। बहुत से लोगों के पत्थर वगैरह होते हैं,
तो पत्थर के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको पत्थर इस तरह से हिला लेना है उसके अंदर और ये डाल के आपको पानी चेंज करना है। अगर आप पत्थर वगैरह रखते हो तो आप 4 दिन 5 दिन में भी पानी चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा इशू नहीं होता है। अब इस तरह से डाली 50% एम्प्टी हो चुकी है। ओके, अब आप चाहिए तो सेकेंड टैंक में इस तरह से आगे उंगली लगा के रखना है आपको, ताकि सक्षम छूटे नहीं जो आपने पकड़ के रखा है उसको। और इस तरह से आपको अंदर डाल के फिर से इसके आगे पॉइंट लगा के ये वाला चालू कर, ये फिर से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखेंगे फिर से वो ये कचरा जो कर रहा है, देखेंगे आप यहाँ पे वीडियो में आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो भी शीट है नीचे में वो क्लीन हो, टॉयलेट वगैरह जो भी है, आपके मच्छी वगैरह कुछ रहेगी या जो कचरा रहेगा जो भी है, आप इस तरह से पानी चेंज कर सकते हैं। वही आपको स्क्रबिंग पहला करना है और उसके बाद इस तरह से पानी चेंज करना है। ये इजी तरीका है, बहुत से लोगों का प्रॉब्लम था, काफ़ी लोग कॉल करते थे मुझे कि भाई आदि भाई कैसे चेंज कर, पानी चेंज करने के लिए भाई वो कोई बकेट में निकाल रहा है, साइफन पाइप से बाल्टी में भर रहा है, ले जाके फेंक रहा है। बड़ी टंकी वाले को काफ़ी इशू होता था, 4 फुट वाले को, 6 फुट वाले को, 5 फुट वाले को, उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता था, बकेट उठा उठा के फेंकना है बाथरूम में ले जाके, तो वो पानी भरना वगैरह भारी पड़ता है। ओके, पानी मैंने गप्पी इसका इतना ही निकाला, 50% पानी निकाल लिया। अब देखेंगे इसका पानी खत्म हो चुका है, ये तरीका है। अब आप उसके अंदर पानी भरने का तरीका आप लोग को बताया था, आपने ये पानी चेंज कर लिया। yes. आप इसके बाद में आपको क्या करना है, डिक्लोरिनेशन डालना है इसके अंदर। अगर आपने इतना पानी निकाले, 1.5 फीट का टैंक जो भी आपके एक्सवाइज़ आपकी साइज रहेगी, okay. आप डिक्लोरिनेशन इसके अंदर ऐड करो और पानी भर दो। डिक्लोरिनेशन है अपने पास? तो अरे भाई डिक्लोरिनेशन की बात कर रहे थे आप। डिक्लोरिनेशन बहुत से लोग को मालूम ही नहीं है, काफ़ी लोग बहुत से बाहर साइड के हैं जिनके अंदर बोरिंग का पानी आता है, मतलब बोर का पानी ज़मीन से निकला हुआ, तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉरपोरेशन का पानी जिसमें आता है, जैसे मुंबई के अंदर बृहन मुंबई महानगर पालिका का पानी होता है, म्यूनसिपालिटी का, उस तरीके से कॉरपोरेशन का पानी होता है। कॉरपोरेशन का पानी जो भी जिधर भी आता है तो उसको ये यूज़ करना ज़रूरी। डिक्लोरिनेशन मतलब ये डिक्लोरिनेशन का काम ये है कि इसके अंदर पानी के अंदर जो क्लोरीन जो ऐड करती है बीएमसी या फिर कॉर्पोरेशन, हाँ क्लोरीन जो डालते हैं उसके अंदर, एक क्लोरीन को मारने के लिए क्लोरीन रिमूवर भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये टैंक के अंदर इसका ढक्कन लेना है, बहुत से लोग को पता नहीं होता, 1-2 ड्रॉप डाल दो तो बहुत प्रॉब्लम आता है, तो 1-2 ड्रॉप के वजह से कभी कभी मच्छी भी मर जाती है, पता नहीं होता। 4 फुट की टाँकी, 3 फुट की टाँकी, भाई मैंने 2 ढक्कन डाल दिया तो मच्छी मर जाती। फ्लोरन वाले भी काफ़ी ऐसे करते, पानी भर देते, आधा पानी भरते फिर डालते, फिर थोड़ा भरते फिर डालते, ऐसा तरीके से नहीं करना है आपको। okay. पहला इसका ढक्कन लेके आपको हो गया तभी डालना है। ये एम्प्टी है, आपको इसके अंदर ऐसा लेना है, ढक्कन में डालना है, 1 ढक्कन डालो। okay. समझे, 2 ढक्कन डालो और ये 3 ढक्कन डालो, इसके अंदर 3 ढक्कन डाल के आपको पानी ऐड करना है 1.5 फीट के टैंक के लिए, 1.5 फीट 18 इंच के लिए। हाँ, अगर आपका टैंक साइज बड़ा है, 4 फीट का अपना 2 फीट का टैंक है, तो आपको 4 ढक्कन या 5 ढक्कन आप डाल सकते हैं। जितना पानी, अगर आपने ज़्यादा पानी चेंज कर लिया तो 5 ढक्कन तक भी डाल सकते हैं, नॉर्मली 4 ढक्कन डालना आपको। ओके, अगर उससे बड़ा टाकी है 3 फुट का है तो और ढक्कन की आपको क्वान्टिटी बढ़ाना पड़ेगा लिक्विड की। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये डालना ज़रूरी कॉर्पोरेशन के पानी में, बोरिंग के पानी में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने इसके अंदर लिक्विड डालने के बाद यहाँ पे पानी ऑन कर दिया, ये पानी का जो जे, हाँ हाँ ये पानी का है, मैंने डायरेक्ट कनेक्शन है मेरा, कॉर्पोरेशन का पानी है, मैं बीएमसी का पानी यूज़ करता हूँ, तो ये डायरेक्ट पानी मैंने चालू कर दिया। अब ये पानी यहाँ तक भरूँगा पूरा, मैं फुल्ली टैंक कभी नहीं भरना है, आप लोग को ध्यान में रखें, यहाँ तक टाँगी कभी नहीं भरना है, बहुत से लोग का प्रॉब्लम है। मैंने यहाँ तक भरा था पानी, आरिक भाई मच्छर उड़ा मार के बाहर आ गए, तो इतना पानी खाली रखो, यहाँ तक रखो, मच्छी जब मार के बाहर नहीं आएगी। ओके, डिपेंड आप कौन सी मच्छी रखते हो। सब्सक्राइब फिशेस एंड प्लांट सो यू कैन सी अवर अपकमिंग वीडियोस। हाँ तो आदि भाई अभी तो टैंक फुल भर गया हमारा, है ना। यहाँ पे ये टैंक मैंने देखो आप लोग को बताया था, यहाँ तक टैंक भरने का है, तो यहाँ तक ही मैंने टैंक भरा हो ताकि मच्छियाँ जम मार के बाहर ना आई, तो इतना टैंक आपको ऊपर से एम्प्टी रखना है। और इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूंगा नमक के बारे में, मैंने बताया ये नमक है, ये ज़्यादा नमक है जो किराने की दुकान में मिलता है। ओके, तो ये विदाउट आयोडीन का नमक है, ये आराम से मिल जाएगा ना भाई, सब जगह मिलता है भाई, ये ज़्यादा नमक, रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा ना, ये रॉक सॉल्ट है, नॉर्मली सब जगह मिलता है। आपने जब पानी चेंज कर लिया तो आपको इसके बाद में इस तरह से ऊपर से डालना है, आपके टैंक साइज पे डिपेंड है। हाँ, ये इसलिए डाला जाता है कि पानी का जो टीडीएस कम हो जाता है ना, तो पानी थोड़ा सा हैवी हो जाता है इससे, तो वो मेंटेन हो जाता है। हाँ, जैसे कि मैंने गप्पीज वगैरह को डाला, वो सबको इसलिए डालता हूँ मैं। आप लोग को ध्यान रखने का, नमक अगर आपका बोरिंग का पानी है या ज़मीन से आया हुआ पानी, तो आप लोग को नमक डालना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो पानी थोड़ा सा हैवी होता है, ये पानी हल्का होता है कॉर्पोरेशन का, तो इसके लिए हम लोग नमक डालते हैं पानी हैवी करने के लिए, थोड़ा सा पानी का टीडीएस बढ़ाने के लिए। तो आप नॉर्मल कॉर्पोरेशन का पानी रहेगा तो ही नमक डालें। तो अरे भाई पानी चेंज करने के बाद में कुछ मेडिसिन वगैरह इसमें ऐड करने की ज़रूरत है क्या? अगर आपको लगता है कि आपकी मच्छी थोड़ी सी बीमारी या थोड़ी कंडीशन में बैठ है, तो फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं रिडॉल जनरलाइट।
ओके एंटीबायोटिक्स से ही है ये, एंटीबायोटिक्स से। हाँ तो ये आप इसके खोल के इस तरह से हल्का सा दो चार ड्रॉप डालें, ज़्यादा नहीं। ओके इस तरह से यहाँ पे आपको पूरा पानी ग्रीन नहीं करना है, जब जब आप पानी चेंज करेंगे तो हल्का सा डालने का इसके अंदर। इससे क्या होता है, मच्छियों का कोई बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है तो ये अच्छी रहेगी और हेल्थी रहेंगे। बाकी आपका जो ये ग्रीनपन है, जो जो पानी आपका ग्रीन होता है, ये स्पंज फिल्टर जो आप वॉश करके लगाते हो, सबसे पहले तो वॉश करना होता है फिल्टर, जो मैंने कर चुका पहले ऑलरेडी, तो ये बाद में आपको इसके अंदर लगा देना है। तो ये जब ये जो स्पंज है ये अब्जॉर्व कर लेगा पूरा आपका जो ग्रीनिशपन है पानी का हल्का सा, वो पानी अब्जॉर्व हो जाएगा, तो उसके बाद आपका पानी क्लीन हो जाएगा सेकेंड डे। ओके सेकंड डे क्लीन होगा, तो फर्स्ट डे में ही डरने की जरूरत नहीं है कि पानी क्लीन किया नहीं, वो एक्चुअल मच्छी के हेल्थ के लिए करा जाता है वो। हाँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, तो डालना है, मैं भी डालता हूँ पानी चेंज करने के बाद। तो अरे भाई श्रिम्प के लिए भी सेम एक्टिविटी है? नहीं श्रिम्प के लिए भाई थोड़ा सा अलग है, श्रिम्प के लिए आप येलो लिक्विड नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपके श्रिम्प थोड़े से बीमार वगैरह पड़े तो आप एंटीबायोटिक्स वगैरह डाल सकते, बट कैप्सूल वगैरह यूज़ कर सकते, तो नो प्रॉब्लम। और सिम को रखने का बहुत इजी तरीका है, वो जल्दी से वो बीमार नहीं होते, वो नॉर्मल है, उतना इशू नहीं होता उसका, तो आप एंटीबायोटिक डाल सकते हो उसको, नो प्रॉब्लम। ओके तो इनको पानी फिर चेंजेस कैसा है? इसका वही सीन है, आप 20-30% इसका पानी चेंज कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एल्गी वगैरह नहीं होता है सिम के अंदर टैंक में, क्योंकि सिम ऑलरेडी एल्गी खाती है। एक्चुअल मेन इशू ये है कि काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई मच्छी खरीदने से पहले लोग डरने लगते हैं कि भाई इसको साफ़ करना बहुत हार्ड है, बहुत तकलीफ़ वाला काम है, साला कौन झकझक पालेगा, कौन उसको मच्छी लाएगा, उसको पानी चेंज करते रहेगा, उसको संभालना पड़ता है, उसको ऐसा वैसा सब, बहुत से लोग डरते हैं। बहुत से लोग मैंने भी देखा, मेरे शॉप पे भी आते काफ़ी लोग के भाई यार मच्छी लेने का है पालने का है, मगर डर लगता है उसको संभालेंगे कैसा, साफ़ कैसा करेंगे उसको, उसका बहुत झमेला रहता है। अरे कोई झमेला नहीं है, सबसे पहले दिल से डर निकाल लो, काफ़ी ईजी तरीका है पानी चेंज करने का। विदिन आप 10 से 15 मिनट में आपका पूरा टैंक क्लीन हो जाता है। और आप लोग वंस करना है आपको हफ्ते में एक बार करो, आप ड्राई फूड पे रखो उसको, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। आप बहुत से लोग क्या है, किसी के दिलों में डाल के रखता है भाई इसको नॉनवेज डालो, लाइव डालो उसको, ये खिलाओ उसको, हमका खिलाओ, ये खिलाओ, वो सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं आपको। नॉर्मल आप मच्छी पाले हो, ड्राई पे भी रखो उसको, प्रॉब्लम नहीं है, इशू। बहुत से लोग को क्या, ऑस्कर पालने वाले लोग है भाई, इसको चिकन हाथ डालना पड़ता है, इसको मच्छी डालना पड़ती, जिंदा मच्छी खिलाओ इसको, ये वो सब कुछ नहीं करने का। ड्राई पे रख सकते हैं आप मच्छी, नॉर्मली मच्छी ड्राई पे भी रह जाती है, नो प्रॉब्लम। जैसे इंसान रहता है दाल चावल के ऊपर, वैसे मच्छी भी रहती है दाल चावल के ऊपर। ज़रूरी नहीं कि चिकन मटन ये सब खाना ज़रूरी है, तो आप लोग को डरने की बात कोई नहीं है। बहुत से लोगों के दिल में डर आता है कि भाई मच्छी पालना है ऐसा है, बहुत उसका झकझक है पानी चेंज करने का। 10 से 15 मिनट लगता है हफ्ते में, अगर आप 10-15 मिनट मच्छी को नहीं दे सकते तो फिर आप मच्छी मत पालो। तो बहुत से लोग के थिंकिंग में होता है ना भाई मच्छी बहुत ज़्यादा ही पानी गंदा हो गया, महीना भर पानी तुम चेंज नहीं करोगे तो पानी गंदा होएगा ज़रूरी, पानी गंदा भी होगा, मच्छी भी सड़ेगी, मच्छी भी सड़ेगी, आपकी टेल भी खराब होगी, फिन रॉड भी होगा, व्हाइट स्पॉट भी होगा, सब कुछ होएगा उसके अंदर, आँखें भी उसकी व्हाइट होगी, क्लाउडी आई भी होगा, वो सब रीज़न है पानी नहीं चेंज करने का। आप मच्छी पाल रहे हो हफ्ते में पानी चेंज करो, अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो हफ्ते में 2 बार चेंज करो। तो थैंक यू आरी भाई, बहुत ही अच्छा सा नॉलेज आपने दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यानी बोलना था कि एक्वेरियम शॉप में जाते हैं, यानी आपके शॉप में जब भी आते हैं तो बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन टैंक उनको देखने को मिलते हैं, तो उसका रीज़न क्या है वो उन्हें जानना था, तो आज हमने दिखा दिया है। और इस तरीके से वो भी उनके फ़िश टैंक को मेनटेन कर सकते हैं और उनके फ़िश को हेल्दी रख सकते हैं। तो थैंक यू आरी भाई, थैंक यू सो मच गाइड्स, और मेरे को लाइक करने के लिए, मुझे पसंद करने के लिए सबसे तहे दिल से थैंक यू बोलूँगा, और बहुत सारे लोग मुझे चाहते हैं इसके लिए, थैंक यू सो मच। ऊपर में जो सर्कल दिया उस पर क्लिक कीजिए और फिशेस एंड प्लांट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो ऐसे ही कुछ नए नए वीडियोज देखने के लिए देखते रहिए फिशेस एंड प्लांट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ।